आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, आपके क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन को लेकर जो भी सवाल है सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी आईटीआर आ रही है और उसके अंदर आपके क्लाइंट ने क्रिप्टो करेंसी को परचेज सेल करा है, उस पर टैक्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारी बातों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। सर आपको तो आता ही नहीं क्रिप्टो करेंसी, बिल्कुल सही कहा, मुझे नहीं आता, इसलिए आज हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया हुआ है सीए राहुल गुप्ता जी को, जो कि क्रिप्टो टैक्सेशन एक्सपर्ट है और सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में वो देंगे। सर मैं आपका स्वागत करता हूँ, एक बार जोरदार तालियों से सर का भी स्वागत कर देना, कमेंट बॉक्स में सर का स्वागत कर देना। तो अब आप मिल लीजिए सीए राहुल गुप्ता जी से, क्रिप्टो टैक्स के एक्सपर्ट है, सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि भैया जो क्रिप्टो पे टैक्सेशन है, मैंने क्या करा, 1 करोड़ की क्रिप्टो परचेज कर ली, फिर 1 करोड़ की सेल कर दी, ठीक है, मुझे प्रॉफिट भी हो गया 50 लाख, लेकिन मैंने ना पैसा विथड्रॉ नहीं करा, मेरा पैसा जो है ना जो वो ऐप है उसी के अंदर पड़ा हुआ है, तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? हाँ जी सर, ये बहुत सारी लोगों की क्वेरी है, सर मैंने तो पैसा विड्रॉल किया ही नहीं तो मैं क्यों टैक्स दूं? सर जब विड्रॉल करूंगा तब टैक्स दूंगा। दोस्तों एक बात बताओ, आप 10 साल तक विड्रॉ मत करो, गवर्नमेंट आपसे 10 साल पुराना प्रॉफिट पूछेगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना, आप विड्रॉल करो ही मत तो गवर्नमेंट 10 साल तक वेट नहीं करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, आपने आज बेच दिया, ट्रांसफर वर्ड लिखा है इनकम टैक्स एक्ट, ट्रांसफर वर्ड को जानता है, अगर आपने अपना कोई एसेट बेच दिया है तो भैया उसका टैक्स आज ही लगेगा, आपको उसको अगले साल नहीं लेके जाना, उसकी आईटीआर इसी साल में आपको वो प्रॉफिट दिखाना है और आपका जो टैक्स बनता है आपको जमा कराना है। अगर मैं इसे नटसेल में बोलूं तो क्रिप्टो आपकी एक कैपिटल एसेट्स है, बिल्कुल, और अगर आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हो तो आपको कैपिटल गेन लगेगा, बिल्कुल। तो इसी बात पर आप चाहे पैसा विड्रॉ करो या ना करो आपको टैक्स देना पड़ेगा, समझे? अगर समझे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अब दूसरा क्वेश्चन सर, अब आप बिल्कुल सही सही बताना सर, मेरे को तो सिंपल कैपिटल गेन समझ में आता है कि मैंने शेयर खरीदा था, शेयर खरीदा मुझे प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, ठीक है ना, शेयर मैंने बेच दिया मुझे प्रॉफिट लॉस हुआ 9 लाख का, तो भाई नेट में तो मेरी इनकम 1 ही लाख रह गई, 1 लाख रुपए पे मैं कैपिटल गेन में टैक्स देता था, क्या क्रिप्टो में भी यही होगा? ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये गवर्नमेंट ने इसको स्पेक्युलेटिव इनकम मान लिया है। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है भैया जिस दिन प्रॉफिट कमाओगे उस दिन 30% टैक्स दे देना, जिस दिन लॉस कमाया ना, तू कौन भाई, हम नहीं जानते तेरे को कौन है। अच्छा, लॉस का मतलब जीरो, लॉस का मतलब जीरो, जीरो, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, चाहे सेम कॉइन हो चाहे डिफरेंट कॉइन हो। मार्केट में ये भी बड़ा र्यूमर है सर, सेम कॉइन का सेट ऑफ तो अलाउ है। अच्छा, नहीं है ऐसा कुछ भी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है कि सेम कॉइन का सेट ऑफ अलाउड होगा। एक ट्रांजैक्शन को लेके चलना मेरे दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, पर ट्रांजैक्शन आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, पर ट्रांजैक्शन जो भी आपने सेलिंग की है उसका प्रॉफिट अलग अलग निकलेगा। तो आईटीआर में होता क्या है, ट्रांजैक्शंस बहुत लंबी हो जाती है, तो क्रिप्टो की आईटीआर बहुत संबरसम होती है, बहुत टाइम लगता है। नहीं भाई देखो, वो तो मुझे पता, मैं नहीं भरता क्रिप्टो की कोई आईटीआर, तो मैं तो जो भी आईटीआर आती है इन्हीं के पास आता हूँ। अगर तुम्हारी कोई ऐसी आईटीआर है तो सर आप अपना नंबर दे दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर, और सर से उसके लिए हेल्प ले लेना। सर अब इसका मतलब तो ये हो गया, अगर मैं नटसेल में बात करूं तो अगर मैंने क्रिप्टो पे 1 अप्रैल को या 10 अप्रैल को 1 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, अब हुआ क्या, मार्च आते आते मैंने 1.5 करोड़ का लॉस बुक कर लिया, ठीक है ना, तो अब पैसे तो मेरे पास है नहीं क्योंकि 1 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है और 1.5 करोड़ का मैंने लॉस बुक करा है, बिल्कुल, और मेरे पास पैसे है नहीं तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स कहां से दूं? लेकिन गवर्नमेंट कह रही है 1 करोड़ पे 30% 30 लाख रुपए मुझे टैक्स दे दो, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है लोगों के साथ। अच्छा, ये प्रैक्टिकल कई लोग फेस कर चुके हैं। देखो आइडियली जिस दिन आपने प्रॉफिट बुक किया ना, एडवांस टैक्स अपना ईमानदारी से जमा करा दो। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, सरकार के साथ पंगे मत लो भैया, सरकार के साथ तो हर्षद मेहता नहीं बचा तो तुम कैसे बचोगे यार? बिल्कुल ठीक, जो पूरी सरकार चला रहा था, हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ इंडिया था एक टाइम पे, सरकार से पंगा मत लो भैया, सरकार जो कह रही है ईमानदारी से अपना टैक्स जमा कराते रहो, इस देश में अगर रहना है या किसी भी देश में रहना है तो।
तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ही प्रॉफिट कमाओ हाँ। वैसे ही एडवांस टैक्स अपना जमा कर दो जमा और कर जब लॉस कमाओ तो मान लो कि ये लॉस लॉस ही हो गया। सर वो लॉस भी तो आपने टैक्स के पैसे का लॉस कर दिया ना, वो 30 लाख रुपए टैक्स देना था आपने वो भी तो लॉस में बुक करवा दिया। उसमें पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं बचे। वो मेरे से एक आईटीआर कह रहा है, भरवारा कह रहा मेरा प्रॉफिट है, टैक्स जनता वापस दे दो बाद में चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई, पहले सुनो क्या बात है। या तो सर ऐसी कोई स्कीम है तो सर मैं बहुत है मेरे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है, मैं किसी का टैक्स जमा नहीं करता। अच्छा सर इसमें एक हम सजेशन दे सकते हैं हाँ। कि आप क्या करो ना, क्रिप्टो में अगर आप डील कर रहे हो हाँ। तो बार बार सेल परचेज मत करो हाँ, सिर्फ जब भी आप करो तो प्रॉफिट बुक करो। देखो सर कैपिटल जो वेल्थ क्रिएशन है ना वो हमेशा लॉन्ग रन में होती है, शॉर्ट रन में कतई नहीं हो सकती भाई। कोई बंदा शॉर्ट रन में अमीर नहीं बना, चाहे राकेश झुंझुनवाले ले लो चाहे वॉरेन बफे ले लो, आपको मिलेंगे बंदे कहने वाले कि हाँ मैंने तो इतना कमा लिया, लेकिन वो अगले साल गवाते भी हैं। आप उसके साथ जीवन भर जुड़ के देखो ना, फिर पता चलेगा आपको। तो आप बार बार सेल बार बार परचेज मत करो, परचेज करके रख, अच्छी चीजें परचेज करके रख, मतलब प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक मत करो, लॉस बुक मत करो, प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक मत करो, इस चीज को समझो हाँ। अच्छा सर एक मैटर हो रहा है हाँ। सर ये एक एक्सचेंज है बाइनेंस हाँ जी, ठीक है ना हाँ जी। अब बाइनेंस से मैंने परचेज सेल करी थी उसके ऐप पर 2016-17 में, बिल्कुल 17-18 में बिल्कुल, और मेरा क्लाइंट कह रहा मुझे तो आज तक कुछ हुआ नहीं, तुम खामखाई मेरी आईटीआर भरवा रहे हो, मुझे तो आईटीआर भरनी नहीं है, मैं नहीं भर रहा। तुम जैसे ही मुझसे कहते हो ना टैक्स जाएगा, वो कहता मैं आईटीआर ही नहीं भरता। अरे बाप रे, अब उसका क्या करें सर? देखो बाइनेंस अभी तक फॉरेन एक्सचेंज था, तो सब लोगों को लगता था इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज का क्या उखाड़ लेगी। गवर्नमेंट ने बाइनेंस को लगभग दिसंबर के आसपास, दिसंबर 2023 के आसपास इंडिया से बैन कर दिया कि भैया आप FIUIND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब FIU क्या है? बेसिकली वो हर बैंक को रजिस्टर करना होता है, हर फाइनेंशियल एजेंसी को जो भी पैसा मैनेज कर रहा है उसको FIUIND में रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है। बाइनेंस चूंकि फॉरेन एक्सचेंज था, उसने इंडियन एक्सचेंज, इंडियन गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन को नहीं माना। जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था, अब इंडियन गवर्नमेंट आई जोश में, उन्होंने उठा के इसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक किया तो भैया नए अकाउंट खुलने बंद हो गए। अब बाइनेंस का एक बहुत बड़ा यूजर बेस इंडिया में है सर, बाइनेंस इंडिया का रिवेन्यू नहीं छोड़ सकता सर। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि कोई भी कंट्री कोई भी कंपनी इंडिया का रिवेन्यू नहीं छोड़ना चाहता। तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को अप्लाई किया, हम FIUIND में रजिस्टर करने को तैयार हैं, जिसकी एवज में गवर्नमेंट ने इनके ऊपर 18 करोड़ 80 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है, ठीक है जी, कि आप इतनी लेट आए हो। लेट आने की पेनल्टी मान लो ये, कुछ कंप्लायंसेज नहीं की आपने उसकी पेनल्टी है ये। पेनल्टी तो बाइनेंस जमा करा देगा, बाइनेंस के लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, ऐसे करके जमा करा देगा, उसके लिए कुछ भी अमाउंट नहीं है ये, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? क्या बाइनेंस पुराना डाटा शेयर करेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से मोदी जी करा देंगे सर। ये अगर हो गया ना, मैं कह रहा हूँ नोटिसों की लाइन लग जाएगी सर, क्योंकि मैं जानता हूँ। आपको पता है सर कितने बंदों ने बाइनेंस में KYC की हुई है? आप एक गेस मारो सर। सर मुझे आइडिया नहीं बिल्कुल, तुक्का सर, करोड़ों में बात करेंगे सर। अच्छा करोड़ों में बात करेंगे तो सर, एक करोड़ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट की KYC मोटा माटी 2 करोड़ है, शेयर मार्केट प्लस म्यूचुअल फंड की। अच्छा। बाइनेंस की KYC 10 करोड़ है सर। अच्छा जी, हाँ जी सर, मतलब इसमें से ज्यादा लोग, मतलब इसमें मुझे ये नहीं, इंडियन है ये 10 करोड़ इंडियन बंदे हैं। अब मुझे नहीं पता वो ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरे को लग रहा है इंडियन गवर्नमेंट को ना हायर करने पड़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनको नोटिस देने के लिए। अच्छा, डिमांडें बनेंगी। अच्छा ठीक है, तो अब देखो पुराने सालों का तो ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते, करंट का भर दो, लेकिन कम से कम 31 मार्च 24 का तो भर दो, कुछ बचने के लिए तो छोड़ोगे दोस्तों कि भैया हाँ मैंने सर आज से तो जमा कराया है। लड़ाई करने के लिए भी कुछ अस्त्र शस्त्र तो दोगे अपने कंसल्टेंट को? सर ये जो कुछ हमारे जो यूजर्स हैं वो कह रहे हैं मैं खुद आईटीआर भर लूंगा, अदर सोर्सिंग में डाल दूंगा आईटीआर भरने में। नहीं नहीं नहीं, क्रिप्टो का शेड्यूल VDA अलग है दोस्तों, आपको खुद भरनी है आप भरो। शेड्यूल VDA कैपिटल गेन्स में एक हेड है, जितनी ट्रांजेक्शन करी है एक एक करके सारी फीड करनी पड़ेगी आपको उसके अंदर। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन चाहे प्रॉफिट की हो चाहे लॉस की हो, लॉस के अंदर ऑटोमेटिकली 0 उठाएगा वो। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी गजब का सॉफ्टवेयर बनाया, प्रॉफिट है तो उठा लेगा, लॉस है तो 0 वो उठाएगा ही नहीं, उठाएगा ही नहीं। तो भैया इस चीज को समझ लो, सर ने बता दिया अगर तुम्हें खुद करनी है तो ITR2 VDA में जाके भर लेना, और नहीं तो ठीक है ना मैं स्टार लगाकर लिख रहा हूँ कि अगर खुद भरते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं तो कहूंगा भाई एक प्रोफेशनल एडवाइस लेकर अपनी ITR को भरना, और अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो सर का नंबर स्क्रीन पर है, उनसे बात कर लेना। मेरे को फोन मत करना, मेरे को आता है GST और थोड़ा बहुत इनकम टैक्स, ठीक है, वीडियो मुझे नहीं आता, तो सर से एक बार बात कर लेना। तो आपको कैसी लगी है वीडियो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और अगर ऐसे नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम दोबारा से राहुल जी को
परेशान करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। और आशा करता हूँ सर ये वीडियो आपको अच्छी लगी। सर और कोई मैसेज हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए? एक मैसेज है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है क्रिप्टो से रिलेटेड, आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं 99.9% कोशिश करूंगा आपको उसका रिप्लाई जरूर दूं। ठीक है। और सर एक बार अपने YouTube चैनल का भी बता दीजिए ना। मेरा YouTube चैनल का नाम है CA/Rahul/Gupta। मैं ललन टॉप पे स्पीकर भी हूँ, बजट के ऊपर मैं स्पीच भी देके आता हूँ ललन टॉप चैनल पे, प्लस साथ में मैं काफी सारे कॉर्पोरेट सेशंस और स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों को भी सेशंस देता हूँ कि भैया आप लोग आगे बढ़ो यार, अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी हम सेशंस देते हैं। तो सर का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, मेरा तो देखते ही देखते हो। सर धन्यवाद करते हैं आप सब लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।